दोस्तों आपने एकदम सही वीडियो पर टैप किया। यहाँ पर अपने पास एक बाइक की बैटरी, आपके पास जो भी बैटरी, इन्वर्टर की बैटरी तक आज सारी बैटरी आप रिपेयर कर सकते हो। और एक है गोबर का उपला, इस उपले की सहायता से आज हम इस बैटरी को रिपेयर करने वाले। 100% वर्किंग है दोस्तों। प्लीज दोस्तों वीडियो कम्प्लीट तक वॉच कीजिएगा, काफी मजा आने वाला आज के प्रोजेक्ट में। चलिए दोस्तों फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर नए हो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, वीडियो फटाफट लाइक करें। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको इस मल्टीमीटर की सहायता से इसके वोल्टेज चेक कराता हूं, कितना आउटपुट ये हमें दे रही है। लगभग 5 से 6 साल पुरानी बैटरी है दोस्तों, ये 12 वोल्ट की बैटरी। और अभी देखना, जैसे ही मैं 20 वोल्ट पर इसको करता हूं, 3.96 अप्रोक्स 4 वोल्ट के आसपास करंट प्रोड्यूस कर रहा है। और एम्पियर देखो भैया, इसके एम्पियर देखना 0.15, बिल्कुल डाउन एम्पियर है। इससे भैया घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, अपनी छोटी वाली मोटर भी नहीं चलेगी। चलिए दोस्तों फटाफट इसको रिपेयर करना शुरू करते हैं। तो इसके लिए अपने पास दो रास्ते हैं। फर्स्ट रास्ता है इन्वर्टर की बैटरी, या फिर अपने पास कोई भी बैटरी अवेलेबल हो उसके अंदर से तेजाब निकालो और इसके अंदर डाल दो, उसके बाद इसको चार्ज लगा दो, 2-3 बार चार्ज होगी तो अपने आप सेट हो जाएगी। दूसरा ऑप्शन है अपने पास ये गोबर का उपला। अब इसका यूज कैसे करना है मैं आपको बता दूं, स्टेप से। सबसे पहले अपन को इस गोबर के उपले को बारिश के पानी में भिगो के रखना है लगभग 15 से 20 दिन। ये बिल्कुल सस्ता जुगाड़ है, 0 रुपए का। और आपको इसके बाद इसको छानना है, जो पानी हमें मिलेगा उस पानी को हमें इसके अंदर डालना है और लगभग 10 बार इसको रिचार्ज करना है। एक बार चार्ज करो, पहली बार में थोड़ा सा बैकअप देगा, दूसरी बार में और ज्यादा, तीसरी बार में, 10 बार करने के बाद फुल बैकअप दे जाएगा जितना बैटरी न्यू देती है। लेकिन इसमें टाइम ज्यादा लगेगा, मैंने आपको रास्ता बता दिया। अगर आपके घर में कोई बैटरी अवेलेबल नहीं है तो हमारे पास फिलहाल इन्वर्टर की बैटरी है, तो हम उसमें से तेजाब डालेंगे इसके अंदर। तो चलिए दोस्तों क्या क्या प्रोसेस होता है बिना टाइम वाले वीडियो पर कंफर्म करते हैं। यहाँ पर दोस्तों मैं इन्वर्टर की बैटरी के पास आ गया हूँ और अपन को कोई भी एक इसका जो वोल्ट है वो खोल लेना है, थोड़ा थोड़ा करके सभी में से निकालना है, ज्यादा एक में से नहीं निकालना है। यहाँ पर मैंने निकालने के लिए एक जुगाड़ बना रखा है बोतल से, वो अभी मैं आपको बताऊंगा। चलते हैं पहले इसको निकाल लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों मैं बोतल के अंदर लगभग 0.5 लीटर तेजाब है उसे निकाल के ले आया हूँ। और उसके बाद हमें चाहिए नमक नॉर्मली, और ये है अपनी बैटरी। तो इसके ऊपर का कवर होता है ना ये वाला, इसको आपको हटा लेना है। और नॉर्मली मैंने तो इसको 2-3 बार हटा लिया है, तो अभी मेरे हटाने में कोई दिक्कत नहीं आया। चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए बिल्कुल सूखी बैटरी पड़ी है भैया, इसके अंदर कुछ है ही नहीं, चलेगा कहां से। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम थोड़ा थोड़ा इसके अंदर नमक डाल देते हैं, वरना नमक अंदर नहीं जाएगा। तो चलिए अब इसके अंदर ये तेजाब डालते हैं। फाइनली दोस्तों मैंने इसके अंदर तेजाब है उसे डाल दिया। ये देखिए बबल, देखिए इसके अंदर, ओ भाई कितने भयंकर तरीके से बबल उठ रहे हैं। अभिक्रिया शुरू हो गई है दोस्तों इसके अंदर, और इसके अंदर आवाज भी आ रही है। फाइनली दोस्तों लगभग 10 मिनट हो गए और ऊपर का सारा तेजाब अंदर चला गया। और अभी आपके सामने वोल्टेज देखना, इसके वोल्टेज मैं आपको चेक कराता हूं कितने वोल्टेज आउटपुट निकलता है। अभी से मुझे पता है थोड़ा बहुत इंक्रीज हो गया, ये देखिए 6 वोल्ट है आपके सामने, अभी 4 था 2 वोल्ट इंक्रीज हो गया। और अब हम इसको लगाते हैं चार्ज लगभग 1-2 घंटे के लिए। फाइनली दोस्तों इसको चार्ज लगे हुए लगभग 1 घंटे के आसपास हो गया है टाइम। तो चलिए अभी वोल्टेज चेक करेंगे कितने वोल्टेज आउटपुट ये दे रहा है। तो अभी आपको मैं दिखाऊं तो ये देखो ग्रीन एलईडी लाइट है और थोड़ी देर बाद ये रेड होती जा रही है, ऐसे ही कॉम्बिनेशन बना रह रहा है अभी तक। तो चलिए एक बार इसके वोल्टेज चेक करते हैं। अभी मैं वोल्टेज आपको दिखाऊं तो 14 वोल्टेज के आसपास दे रहा है, ये देखो 14। ओ भाई इसके अंदर थोड़ा सा कार्बन आ रखा है दोस्तों इनके ऊपर। तो अभी मैं इस चार्जर को कर देता हूं बंद, और ये देखो 9.13, 12, 10। लेकिन इसके अंदर दिक्कत क्या है, जो वोल्टेज है वो ड्रॉप होते जा रहे हैं, 9.6, 9.5, और ये देखो 9.4। अभी थोड़े थोड़े कम ड्रॉप होंगे, लगभग 8 वोल्ट के आसपास है ना, अच्छे से करंट प्रोवाइड कर देगी। लेकिन अब हमें तो चाहिए 12 वोल्ट, तो हमें इसको लगभग 2-3 बार ऐसे ऐसे चार्ज करना है। उसके बाद ये ऑटोमेटिक भी डिस्चार्ज हो सकती है, या फिर हम इसको डिस्चार्ज कर भी सकते हैं। जैसे मैं अभी आपके सामने एक एलईडी लाइट जला के दिखाता हूं 12 वोल्ट की। ये देखिए ये मेरे पास एलईडी लाइट है जो है 12 वोल्ट की, तो अभी देखना आपके सामने। और अभी दोस्तों मैं आपके दिखाऊं तो ये देखिए बैटरी की ग्लो अब ऐसी है, जैसे ही मैं चार्जर ऑन करता हूं ये देखिए ग्लो थोड़ी सी ज्यादा हो गई है, और अब देखिए ग्लो कम हो गई है। दोस्तों जैसा आपके सामने अभी आपने देखा कि 3 वोल्ट करंट देने वाली बैटरी को हमने 10 वोल्ट तक बूस्ट कर दिया, और अभी तो क्या है ये 12 वोल्ट तक भी बूस्ट हो जाएगी। लेकिन आपको 2-3 दिन सेम प्रोसेस करना पड़ेगा। क्या आपको रात को चार्ज लगा के छोड़ना है, सुबह इसको डिस्चार्ज करना है, रात को चार्ज लगा के छोड़ना है, सुबह डिस्चार्ज करना है, आप किसी से भी डिस्चार्ज करो चाहे, ये प्रोसेस आपको 4 से 5 दिन करनी है, उसके बाद ही आपको इसे यूज करना है। वरना अभी क्या हुआ, इसके अंदर से तेजाब बार बार बाहर निकल रहा है, क्योंकि जो तेजाब है वो गर्म हो रहा है, अंदर से अभिक्रिया शुरू हो रही है, काफी टाइम से बंद पड़ी है तो अभिक्रिया अचानक ही शुरू हुई है, तो थोड़ा सा रेगुलर होने में टाइम लगेगा। तो मैं अभी आपको बताता हूं कि ये बोतल मैंने कैसे जुगाड़ से जो तेजाब निकाला और उसके अंदर डाला है। तो ये देखिए नॉर्मल बोतल है, बोतल के ढक्कन में मैंने एक पाइप लगा दिया, जैसे ही हम इसको पिचका के वापस छोड़ देना तो ये अपने आप अंदर खींचती है हवा के बहाने। आई होप दोस्तों ये बैटरी सही करने का जुगाड़ आपको पसंद आएगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना। नॉर्मल 0 रुपए के खर्चे के अंदर हम बैटरी को रिपेयर कर सकते हैं और अच्छी खासी उसकी लाइफ भी चेंज कर सकते हैं, 5-6 साल और भी अभी निकालने वाली है बैटरी। चलिए दोस्तों मिलते हैं कल नए प्रोजेक्ट के साथ किसी और वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।